हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल. और मैं हूँ सी एस रुखान. सो गाइस, आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर दिस स्क्रीन विद वन ऑफ द मोस्ट नोन पर्सनालिटी ऑफ सी ए फ्रेटर्निटी, जिनकी वीडियोस मैं खुद देखती थी जब मैं सी की तैयारी कर रही थी, एंड दोज वर रियली बेनिफिशियल. मैं अभी भी देखती हूँ. एंड ये है सी ए मोहित अग्रवाल, जो कि सी ए है, साथ में टीचर है, एंड ही इज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ एम ई पी एल क्लासेस, जो कि सी ए सी एस एंड सी एम ए की क्लासेस देते हैं. एंड इनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है, जिस पर करेंटली 2.7 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जहां पर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज ये शेयर करते हैं. सो वेलकम सर, वेरी वॉर्म थैंक यू वेलकम टू सो आवर मच. चैनल. थैंक यू सो मच असफर. एंड आई एम सो ग्लैड टू शेयर द स्क्रीन विथ यू बिकॉज आई हैव ऑल्सो बीन फॉलोइंग योर वीडियोज सिंस क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ. एंड इट आई ट्रूली से दैट यू हैव बीन हेल्पिंग द स्टूडेंट्स थ्रू आउट दिस सीए जर्नी. एंड ऐसी लोगों को और लोगों का दरकार है. और आपके जैसा जो कंटेंट बहुत कम लोग बना सक रहे हैं, तो इट्स अ गोल्ड माइन फॉर ऑल द सीए स्टूडेंट्स. तो प्राउड ऑफ यू ऑल्सो. जी सर, थैंक यू सो मच. एंड मैंने आपकी कुछ ऐसी वीडियोस देखी हैं जहाँ पर ना आप ऐसे डांटते हो ना, मतलब डांटते हो, किसी को समझाते हो, बट वो डांट ऐसी होती है जैसे कि माँ या फिर बाप डांटते हैं ना हमको, मतलब प्यार में, कि हाँ ये चीज गलत है, या फिर आपको ऐसे नहीं करना, या फिर ऐसी न्यूज को नहीं अपने अंदर लाने देना कि गलत भी न्यूज हो सकती है. सो उसी को ध्यान में रखकर मैंने सोचा कि आज हम इस वीडियो के थ्रू कुछ ऐसे कॉमन मिथ्स लोगों के जो सी के रिगार्डिंग है उनको बस्ट करने वाले हैं. जहाँ से मतलब मैंने 2 साल से अपनी सी के यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करी है, एंड मुझे डेली बेसिस पर काफी सारे कमेंट्स आते रहते हैं, एंड उसमें बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग सी ए. तो मैंने सोचा कि आज हम बैठ कर उन्हीं सारे मिथ्स को कलेक्ट करके उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, कि कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन ना रहे लोगों के दिमाग में रिगार्डिंग द सी ए प्रोफेशन. बिल्कुल. तो मैं सारे व्यूअर्स को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पक्का से लास्ट तक देखिएगा. और बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, आपके पर्सनालिटी और करियर डेवलपमेंट को भी लेकर के. काफी जो है ना, ये वीडियो आपको जो है सही डायरेक्शन देगा और मिस इन्फॉर्मेशन और मिथ से भी आपको बचाए रखेगा. ठीक है, ताकि आप एकदम जी मोटिवेटेड रहें एंड एकदम पाथ पर रहें. एंड असवर जैसे बता रही थी कि सर मैंने आपका एक दो वीडियो देखा जिसमें आप बच्चों को जो है वो डांट भी देते हो. क्यों? क्योंकि मेरे को पता है और आपको भी पता होगा असवर, कि ये कोर्स अपने को कितना कुछ दिया है. इस कोर्स ने, सीए कोर्स ने अपने को कितना कुछ दिया है. तो जब मैं देखता हूँ कि कोई बच्चा इस कोर्स को उतना वैल्यू नहीं दे रहा है और उसके अंदर टैलेंट है और वो अपना टैलेंट के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा है, तो जाहिर सा बात है फिर उसको सही ट्रैक पे लाने के लिए जो है बताना भी पड़ता है कि भाई आप गलत ट्रैक पर जा रहे हो. बिल्कुल सर. एंड आई हैव प्रिपेयर्ड फ्यू क्वेश्चंस इस लिस्ट में, जो कि मैं आपसे पूछने वाली हूँ, एंड देन हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सो बिल्कुल हियर इज कमिंग द फर्स्ट क्वेश्चन और द फर्स्ट मिथ टू यू, दैट सी ए इज फॉर टॉपर्स ओनली. मतलब लोगों को लगता है कि सी ए सिर्फ टॉपर्स के लिए है, या फिर एक एवरेज स्टूडेंट सी ए कर सकता है, या फिर सी ए बन सकता है. सर, इस मिथ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यस, ये एक मिसकंसेप्शन है कि सीए जो है, जो हमारे स्कूल के टॉपर्स रहे होंगे, कॉलेज के टॉपर्स रहे होंगे, वही ये सीए कोर्स जो है कर सकते हैं, क्योंकि सीए जो है बहुत टफ है, सीए जो है वो एकदम टॉपर्स के लिए बना है. ये सब मिथ है. मैं आपको बताता हूँ, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है जो क्लास 12 में टॉप करने के बाद सीए के जर्नी में आकर के जो है वो फेल कर गए. और मैं ऐसे ऐसे फेलियर्स को भी देखा है मैंने, जो टॉप करके सीए के जर्नी में आकर. तो आपका पहला बात तो आप समझ लीजिए कि क्लास 12 में जो भी आपने परफॉर्मेंस दिया, ठीक है, वो आपका क्लास 12 तक ही सीमित रहने वाला है. ऐसा नहीं है कि आपने क्लास 12 में टॉप कर लिया तो आप सीए में टॉप कर जाएंगे. आपने क्लास 12 में जो है जैसे तैसे मान लो 50-60% बोर्ड एग्जाम्स मिलाए तो आप सीए नहीं कर सकेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं. आप जब सीए की जर्नी स्टार्ट करेंगे, आपको राइट फ्रॉम द स्क्रैच ही जो है वो स्टार्ट करना रहता है. और सीए इज ऑल अबाउट यू नो डिसिप्लिन, डिसिप्लिन एंड हाउ बैडली यू वांट द सीए कोर्स. इफ इफ यू रियली वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, देर इज नो फोर्स इन द वर्ल्ड दैट कैन स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो आप कितना शिद्दत के साथ आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, वही डिटरमाइन करेगा कि आप सीए बनते हैं कि नहीं बनते हैं. जैसे मैं बताऊंगा, मुझे आपका उतना नहीं पता, बट जनरली मैंने देखा है कि 90% जिन लोग ये सीए कोर्स करते हैं, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स कम फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड, मिडिल क्लास हम्बल बैकग्राउंड. तो मेरी भी परिस्थितियां कुछ वैसी ही थी. आज से जब लगभग लगभग 15 साल पहले जब मैंने सीए क्वालिफाई किया था, अप्रोक्सीमेटली 15 ईयर्स बैक, तो आई ऑल्सो बिलोंग टू अ हम्बल बैकग्राउंड. वही एक रूम के फ्लैट में रहना और उसी में मेरे सीए कोर्स जो है मैंने कंप्लीट किया. तो मुझे ये पता था क्लास 12 के बाद कि भाई अगर लाइफ में अब यहाँ से
फेम कमाना है, नेम कमाना है, सक्सेस पाना है, अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, तो फिर जो आप ये कोर्स कर रहे हैं इसको आपको पूरा अपना ईमानदारी के साथ जो है ना, शिद्दत के साथ करना पड़ेगा। तो डिसिप्लिन अगर आ गया ना, तो अजफर मैं बताता हूँ कि कुछ भी टफ नहीं है, और ये बिल्कुल मिथ है कि ये टॉपर्स के लिए है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर डिसिप्लिन मैनर में शुरुआत से पढ़ेंगे, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे, तो आराम से सीए जो है ना, इट इज एवरीवन्स कप ऑफ टी। या राइट सर, मैं अपना खुद का एग्जांपल देना चाहूंगी. आई यूज्ड टू बी द टॉपर लाइक ड्यूरिंग माय स्कूल, एंड तब मुझे यही लगता था कि सीए इज समथिंग जहां पर टॉपर जाते हैं. बट जब मैं सीए में आई ना, तो मैंने बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करी. जहां पर मुझे लगता था कि सीए टॉपर्स के लिए, वहां पर मैं देखती हूँ कि एवरेज स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर ज्यादा बेटर बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करके निकल रहे हैं. सो डेफिनेटली इट इज अ मिथ. इट डजेंट मैटर कि आपने स्कूल में कैसा परफॉर्म किया था, बट इट जो मैटर करता वो ये कि आप सीए में आकर कैसा परफॉर्म करते हैं. करेक्ट, द सेकेंड मिथ इज दैट सीए इज फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स ओनली और फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव मैथ्स इन देयर करिकुलम. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं. यस, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। कॉमर्स स्टूडेंट लोग के लिए जो है सीए है, बट मैं आपको बताऊंगा कि साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं, खास करके जब क्लास 11-12 में उन लोग साइंस ले लेते हैं और फिर थ्री इडियट्स मूवी देख लेते हैं कि फरहान जब है लास्ट ईयर में अपना चेंज कर ले रहा है, तो उनके मन में भी आ जाता है कि यार ये एसिड बेसिस सॉल्ट से तो मेरा दुश्मन ही है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि एसिड बेसिस सॉल्ट जो है वो लाइफ में क्या इम्प्लीकेशन रखता है। तो क्लास 12 के बाद भी बच्चे अपना डिसीजन चेंज करते हैं और बोलते हैं नहीं यार, अब तो साइंस ले लिया 11-12 में, लेकिन अब जो है मुझे जो है कॉमर्स फील्ड में जाना है, तो चलो सीए कोर्स कर लेते हैं। तो मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो क्लास 12 के बाद जिन लोग साइंस लेकर के पढ़ते हैं वो सीए में शिफ्ट होते हैं, और इसमें उनको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, मैं आपको वादा करता हूँ। क्योंकि सीए का जो करिकुलम बनाया हुआ है, जैसे कि आप जानते हैं फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल, तो उसका जो बेस लेवल है फाउंडेशन लेवल, उसमें बेसिक से सिखाया जाता है आपको कि राइट ट्रांजेक्शन क्या राइट होता है, ट्रांजेक्शन को अपने रिकॉर्ड करते हैं तो कहाँ करते हैं, जर्नल में, पूरा बेसिक से आपको सिखाया जाता है। तो आपको कोई भी डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, पूरा बेसिक से सिखाया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। शुरू में थोड़ा सा जो है स्क्रैची स्टार्ट रहेगा, क्योंकि जब आप ट्यूशंस पढ़ रहे होंगे, जिस भी आप ट्यूशन सेंटर में जाएंगे, आप देखेंगे कि 90% जो आपके ट्यूशन सेंटर में भरे हुए हैं वो कॉमर्स वाले बच्चे होंगे, और 10% ऐसे होंगे या उससे भी कम जो साइंस वाले बच्चे होंगे। तो 90% जब टीचर पढ़ा रहा होगा ट्रांजेक्शन क्या है, डेबिट क्रेडिट क्या है, जर्नल क्या है, लेजर क्या है, 90% तो कॉमर्स वाले बच्चे हैं, उनका वो बेसिक्स पहले से थोड़ा सा किया हुआ रहता है। ऐसा नहीं है कि उनको भी पूरा आता है, बेसिक्स थोड़ा सा किया हुआ रहता है। तो साइंस वाला बच्चा पहले एक दो हफ्ता चमक जाएगा, अरे बाप रे ये क्या हो गया भाई, मैं क्या किस हो क्लासरूम में आ गया, या तो सबको गया. सबसे पहले सभी को आ रहा है, तो वो थोड़ा सा जिटरी स्टार्ट रहता है, स्ट्रेची स्टार्ट रहता है, बट मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ता में वो बच्चा समझ जाता है कि ठीक है अपने भी जो है इसको पार लगा ले, तो नथिंग लाइक दैट। तो साइंस और कॉमर्स और क्लास 12 के बाद आप सीए ज्वाइन कर सकते हैं, बट कॉमर्स वाले बच्चों को एक ड्रॉबैक रहता है कि क्लास 12 में अगर 11-12 में कॉमर्स ले लिया, तो अचानक से 12 के बाद वो ये नहीं कर सकते कि हमें इंजीनियरिंग कर लेना है, हमें डॉक्टरी कर लेना है, तो ये डिसएडवांटेज कॉमर्स वाले बच्चों के लिए रहता है, बट साइंस वाले बच्चे आराम से शिफ्ट कर जाते हैं। या राइट. इवन आई हैव आल्सो ऑब्जर्व की जब मैं क्लास ले रही थी सीए फाउंडेशन की, तो काफी ज्यादा बेसिक से वो पढ़ाते थे. इवन काफी बार हमें भी ऐसा लगता था कि ये तुमने पढ़ लिया है, फिर सर इतना ज्यादा डीप में क्यों जा रहे हैं. बट उनका पर्पस ये होता था कि जितने भी अलग अलग स्ट्रीम्स के बच्चे मेरे पास आए उन सबको समझ आए मेरी बात. तो दैट इज ट्रू कि इसमें कोई भी आ सकता है, और आप जब कोचिंग लोगे तो आपको बिल्कुल बेसिक से समझाते हैं, इवन अगर आपने वो नहीं पढ़ा हो पहले. एज अ टीचर हमारे लिए भी चैलेंज रहता है, पता है, क्योंकि एज अ टीचर वी हैव टू मेक श्योर कि क्लास में भले ही 300-400 बच्चे हो, एक बच्चा भी अगर है जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो दिल टूट जाता है। ठीक है, टीचिंग बिल्कुल. जिन लोग के लिए पैशन रहता है, तो जब मैं भी पढ़ाता हूँ तो पहले मैं साइंस वाले लोग से हाथ उठा लेता हूँ, काउंट कर लेता हूँ, अच्छा भाई ये है, इनको खास ध्यान रखना है, पहला 1 महीना इनका ध्यान रखना है। और फिर कॉमर्स वाले बच्चों का इंटरेस्ट चला जाए, कॉमर्स वाले बच्चों का इंटरेस्ट चला जाए कि यार ये क्या सर पढ़ा रहे हैं, सर डेबिट क्रेडिट जर्नल ले जा रहे हैं, ये सब तो आता है यार, क्या फिर यही सीए है क्या? तो पहले मैं उनको, कॉमर्स वाले बच्चों को जो है ना, पहले 2-4 जर्नल एंट्री पूछ लेता हूँ, टफ वाला डेमो दिखा देता हूँ टफ वाला, तो बोलते नहीं आता, तो हम बोलते हैं अब तुमको इसलिए बेसिक से तुमको भी सुनना पड़ेगा, तो ध्यान से सुनो, तब वो थोड़ा अटेंटिव मोड में सुन। तो ये स्टूडेंट के लिए भी चैलेंज है, टीचर के लिए भी चैलेंज है। राइट. ओके, सो अनदर मिथ इज ऑल्सो लाइक वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन और द इन्फॉर्मेशन विच आई कैन सी इज दैट यू नीड टू स्टडी 14 to 16 hours और मोर देन दैट टू क्रैक सीए. मतलब आपको 14 से 16 घंटे डेली बैठकर पढ़ना पड़ता है, तभी आप सीए बन पाएंगे. सर, इज इट अ मिथ और इज इट ट्रू? बिग क्वेश्चन, 14 से 16 घंटा पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, रटो रटो रटो,
यू नो देर इज वन आर्टिकल ऑन इलॉन मस्क ऑल्सो, इलॉन मस्क के ऊपर भी आर्टिकल है कि वो 18 घंटा काम करता है, 20 घंटा काम करता है, एक दिन में 20 घंटा काम करता है, सोता नहीं है, ऑफिस में सो जाता है। अब ऐसे तो साल में एक दो बार मैराथन वगैरह रहता है, तो मुझे भी अपने अकेडमी में, मुझे भी अपने ऑफिस में सोना रहता है, बट मैं ये थोड़ी ना प्रचार कर दूंगा कि मैं ऑफिस में सोता हूँ। तो वैसे इलॉन मस्क के साथ साथ भी आई आई एम श्योर यही हुआ होगा, साल में 2-4 बार सो गया होगा ऑफिस में, और मीडिया जो है उसको हाइप करके हर जगह दिखा। तो वैसे ही सीए का ये जो 16-18 घंटा का कहानी आप बता रहे ना, ये वैसे ही है, 14 से 16 घंटा पढ़ना पड़ता है। मैं गारंटी के साथ बोल देता हूँ ये इम्पॉसिबल है, ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। यू हैव टू बी एन एलियन अगर आप 14 से 16 घंटा लगातार पढ़ रहे हो, डेली डेली ऑन कंसिस्टेंट बेसिस। इट्स इनह्यूमन, यू कैन नॉट बिलोंग टू दिस प्लानेट, ठीक है, यू आर फ्रॉम अनदर प्लान। तो ऐसा बिल्कुल इम्पॉसिबल सा बात है, ये एकदम मिथ है। लेकिन एग्जाम सर पे है, ठीक है, जो लास्ट का 1 महीना बचता है अपना, लास्ट का 1 मंथ 2 मंथ्स प्रिपरेशन टाइम, जब एग्जाम सर पे है, देन ऑब्वियस सा बात है फिर तो 14 घंटा क्या, लोग 16-16 घंटा पढ़ाई करते हैं। बट वो एक मोमेंट्री फेज के लिए हो सकता है अफजर अजवर सॉरी, वो एक मोमेंट्री फेज के लिए हो सकता है अजवर, कि वो 1 महीना 2 महीना हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, 16-18 घंटा 14 घंटा डेली बेसिस पर करना ह्यूमन के लिए तो इम्पॉसिबल। जैसे आई एम हैविंग अ वेरी सोर थ्रोट टुडे, क्योंकि लगातार 5 दिन से जब हम लोग ये अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपको पता है कि इंटर के एग्जाम्स चल रहे हैं, फाउंडेशन के भी है, तो लगातार 5 दिन से मेरा मैराथन चल रहा है। बट अगर मैं ये बोलूं कि मैं हर साल थ्रू आउट द ईयर एक दिन में 14-14 घंटा पढ़ाऊं, तो इट्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल, ठीक है, वो मोमेंट्री फेज रहता है। तो वैसे ही 14-15 घंटा मिथ है, आप अगर शुरुआत से सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हैं तो आपको 14-15 घंटा पढ़ने का दरकार नहीं है। हाँ, एग्जाम्स के पहले तो सभी को पढ़ना पड़ता है, और मुझे ये आवर्स का जो मेजरमेंट है ना, पैरामीटर है, समझ में नहीं आता। अब अगर मैं हूँ, मैं 2 घंटा में वो काम कर ले रहा हूँ जो सामने वाला 4-5 घंटा में कर रहा है, तो मेरा तो 2 ही घंटा काउंट होगा। मैं बाद बाकी जो है अपना दूसरा कुछ है, हॉबीज है, एक्टिविटीज है, वो करूंगा। लेकिन आप वो खोल करके रखे हैं और जस्ट क्योंकि किसी ने बोल दिया 14 घंटा पढ़ना है, तो आप बुक भी खोल रखे हैं, मोबाइल भी खोल रखे हैं, और गाना गा रहे हैं काटे ना कटे रतिया, तो फिर कैसे होगा, फिर तो नहीं होगा। यस सर, बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट द इफेक्टिव स्टडी. इट्स नॉट यस इम्पॉर्टेंट कि आप कितना घंटे बैठकर पढ़ रहे हैं, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि आप इफेक्टिव आवर्स कितना निकाल रहे हैं. यस इवन अगर आप एब्सोल्युट 14 घंटे बैठकर 14 घंटे का इफेक्टिव आवर्स निकाल रहे हैं, दैट इज लाइक बहुत बड़ी चीज है ये. बट लोग 14 घंटे बैठकर 14 घंटे का इफेक्टिव आवर्स निकाल ही नहीं पाते. मे बी वो 8 घंटे का निकाल रहे हो या फिर 10 घंटे का निकाल रहे हो. बेसिकली इट इज अप टू यू कि आप विदाउट डिस्ट्रैक्शन कितना पढ़ सकते हैं और कितनी इफेक्टिव करेक्ट, स्टडी कर सकते हाँ। हैं. और 14 घंटा बैठना बेवकूफी है ना, अगर आप 14 घंटा में इफेक्टिव राइट. 8 ही निकाल रहे हो, इससे अच्छा जी जान लगा करके 8 ही बैठो। आप उस समय मोबाइल वगैरह दूर हाँ रखो, जब आपको इफेक्टिव स्टडी करना राइट. ही है, तो फिर भले ही 6 घंटा आप मोबाइल देखो। राइट. एक सर, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, मतलब पिछले कुछ अटेम्प्ट से, कुछ सालों से चलता आ रहा है एंड लोग पूछते जाते हैं कि विल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस सीए इन द फ्यूचर? क्या सीए का जो फ्यूचर है वो खतरे में है ड्यू टू एआई? सो सर, व्हाट्स योर आर्टिफिशियल थॉट अगेन? इंटेलिजेंस विल इवॉल्व, श्योरली इट विल इवॉल्व, बट इट कैनॉट रिप्लेस सी। रैदर व्हाट आई बिलीव इज इट विल एम्पावर सी, इट कैनॉट सब्स्टिट्यूट सी, इट विल एम्पावर सी। जो एनालिटिकल स्किल है, जो ह्यूमन एलिमेंट है, वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी कॉपी कर ही नहीं सकता। अब जैसे आप सोचो, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आजकल ऑपरेशंस वगैरह में आ चुका है, मेडिकल्स में तो बहुत जोर शोर से चल रहा है। तो जब ऑपरेशन थिएटर में एक डॉक्टर ऑपरेशन करने जा रहा है, एक पेशेंट, मान लो से फॉर एग्जांपल व्यूअर्स, आप अपने आप को एक पेशेंट समझो, तो क्या आप वो मशीन के भरोसे अपने आप को छोड़ दोगे? नहीं, आप बोलोगे नहीं भाई, मुझे मशीन के भरोसे मत छोड़ो, मुझे डॉक्टर चाहिए। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस डॉक्टर को इम्पावर करेगा। वैसे हमारा जो एआई रहेगा, जो आने वाले दिनों में और भी एडवांस ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर आने वाले हैं, इट इज गोइंग टू इम्पावर सी, इट कैनॉट रिप्लेस सी, नेवर। और यहाँ पर ऑल्सो कमिंग बैक सर. टू द प्रीवियस प्रीवियस क्वेश्चन, ऑल्सो आई वुड लाइक टू एड असवर, कि जो लोग सीए कर रहे हैं, ठीक है, इस जर्नी को एंजॉय करना ना भूले। क्या होता है ना, डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए बस डिग्री चाहिए, डिग्री चाहिए, डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए पीपल फॉरगेट टू एंजॉय द जर्नी। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर एंजॉइंग द जर्नी ऑल्सो, यू हैव टू एंजॉय द एंटायर प्रोसेस। आप खाली बुक वॉर्म बन करके रह जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं। आप बन भी जाएंगे सीए, एक बहुत खराब सीए बनेंगे। तो आप खराब जर्नी को सी एंजॉय करिए, अपना कुछ एक दो तो हॉबीज भी रखिए, जो भी आपका हॉबीज हो, ठीक है, फ्रेंड्स भी बनाइए और जर्नी को एंजॉय करिए। मैं ये बोलना चाहूंगा कि यस लाइफ सर. एक नेक्स्ट एकदम खो मत देना। राइट.
सर एक ना नेक्स्ट जो मिथ है ना, इवन जब मैं सी में एंटर हो रही थी तब मुझे भी यही सुनने को मिला था, एंड आई कैन एश्योर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यही सुनकर सी में आते हैं कि एक बार सी बन जाओ, सी बन कर निकल जाओ, उसके बाद आपके साइन करने के पैसा, मतलब यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आपको एक कैबिन दे दिया जाएगा, यू जस्ट हैव टू साइन एंड यू यू गेट यू नो सैलरी फॉर दैट. सो इज इट ट्रू, इज इट अ मिथ, और व्हाट्स योर नहीं, थॉट? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ही पता है, मुझे ही पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जो है वो एक बार वो बता दिया था कि सीए की सिग्नेचर जो है वो प्रधानमंत्री की सिग्नेचर से ज्यादा वैल्यूएबल है, बट कुछ लोगों ने उसको उल्टा ही ले लिया। अच्छा, वैल्यूएबल मतलब रुपया का बारिश होने वाला है, बस 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 लाओ भाई, इधर तुम भी लाओ, तुम्हारा सर्टिफिकेट भी साइन करते हैं, रखो 5 लाख, तुम्हारा सर्टिफिकेट साइन करता है, रखो 5 लाख। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट नाउडेज आप देखो, जो ट्रेडिशनल काम होता था सीए का, इट हैज नाउ इवॉल्व्ड। यंग जनरेशन लाइक यू पीपल, ठीक है, एंड आई वुड आल्सो लाइक टू काउंट माई सेल्फ इन दैट, वी हैव यस इवॉल्व, बिल्कुल वी हैव सर. इवॉल्व, ठीक है। हम लोग सिग्नेचर वगैरह के भरोसे नहीं है कि साइन करके अटेस्टेशन करके रुपया कमाएंगे। अच्छा, सीए का साइन का बिल्कुल वैल्यू है, बट कहाँ पर वैल्यू है? अटेस्टेशन में, ऑडिटिंग में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी बनाया है, पीएल बैलेंस शीट कंपनी बनाया है, वो सही है कि नहीं, रीजनेबल ट्रू एंड फेयर यू दिखा रहा है कि नहीं, तो हम लोग एक रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं कि हाँ, हमारा ओपिनियन है कि ठीक ठाक है, उसमें हम लोग साइन करते हैं, उसको ऑडिट रिपोर्ट बोलते हैं। वो ट्रेडिशनल काम है। आप देखिए, सीए जो है ना, खाली आजकल साइन तक लिमिटेड नहीं, इट्स नॉट लिमिटेड टिल साइन। आप शार्क टैंक देखे हो, मेजोरिटी ऑफ द शार्क्स वर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नमिता यस, थापर, पीयूष बंसल, देन अमन अमन गुप्ता. अमन गुप्ता, ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो आप ये मत सोचो कि साइन उन लोग अब क्या साइन करते हैं, उन लोग कुछ साइन नहीं करता। आपको क्या लगता है वो क्या किसी का ऑडिटर है? उन लोग बिल्कुल नहीं, एंटरप्रेन्योर्स है। आप बड़े बड़े हस्तियों को देखो, उन्होंने सीए क्यों किया? कुमार मंगलम बिरला साहब, ही बिलोंग्स टू बिरला फैमिली। आप सोच करके बताइए, बिरला फैमिली का लड़का क्यों चार्टर्ड अकाउंटेंसी करेगा? उसको पैसे की कमी नहीं है, उसको जॉब करना नहीं है। अपने को तो देखो, जब अपने सीए कर रहे थे, जब मैं सीए कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूंगा, जॉब करना है कि एंटरप्रेन्योर बनना है, सारे ऑप्शंस ओपन रखने पड़ते हैं। तो हमने तो सीए किया था कि चलो भाई बढ़िया नौकरी वगैरह कर लेंगे, बढ़िया जॉब कर लेंगे। कुमार मंगलम बिरला साहब, उनको तो जॉब का दरकार नहीं था, देन ऑल्सो ही डिड चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो कुछ तो बात है सीए कोर्स में, नॉलेज के लिए, नॉलेज के लिए उनका तो यस बनाया बनाया राइट. बिजनेस, बना बनाया बिजनेस, तो नॉलेज के लिए उनको जो है ये करना। देन सुरेश प्रभु जी, सुरेश प्रभु जी जो हमारे मिनिस्टर साहब है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसके अलावा पीयूष गोयल जी, बहुत ही फेमस मिनिस्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसके अलावा जो एचडीएफसी के जो चेयरमैन साहब थे, क्या नाम था उनका, पारिक जी, पारिक जी, दीपक पारिक जी। तो दीपक पारिक जी चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो सीए इन लोग इसलिए थोड़ी ना किया कि लोगों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट खाली साइन कर सकते, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप अजफर को देख लो, आज कहीं पर भी वो जाएंगी, पीपल रिकॉग्नाइजर, ठीक है। वाई? बिकॉज सीए बनने के बाद ऐसा नहीं कि उन्होंने ट्रेडिशनल काम किया, उन्होंने जो है सोचा कि चलो सीए बन गए हैं, जो सीए एस्पिरेंट्स हैं उनके जर्नी में अपने क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। मुझे देख लो, मैं जॉब नहीं किया, एंटरप्रेन्योर बना। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का डोमेन जो है ना, इतना आपको नॉलेज दे देता कि आपका डोमेन बहुत बड़ा हो जाता, आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो या बिल्कुल ऐसा बिल्कुल. नहीं है, टाइम ही सब कुछ है। राइट, एंड आई एम द लिविंग एग्जांपल ऑफ इट, कि मुझे साइन करने के पैसे नहीं मिलते. आई वर्क लाइक 12 आवर्स अ डे टू अर्न. सो सीए बनने के बाद भी स्ट्रगल रहता है. इट्स अप टू यू कि आप कौन सा वाला स्ट्रगल करना चाहते हैं, वो स्ट्रगल जहाँ पे आपको मजा आ रहा है, फिर वो स्ट्रगल जहाँ पर वो आपको एक सफरिंग लग रही है. यस. जैसे आपने अभी अपना एक्सपीरियंस बताया यूट्यूब का, कि स्टार्ट करते समय तो नहीं हुआ, बट नाउ यू हैव क्रॉस 1 लाख 20,000, 1 लाख 25,000 सब्सक्राइबर समथिंग, अब 1 लाख 30,000 सब्सक्राइबर। अब उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है, आपने ऑडियंस बना लिया, अब उनको कंटेंट चाहिए, तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है, ज्यादा बैकग्राउंड होमवर्क करना पड़ता है टू मेंटेन दैट सक्सेस लेवल। प्रेशर रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि इतने सारे लोग आपके साथ जुड़े हैं, तो अच्छा क्वालिटी कंटेंट उनको देना है, रेगुलर बेसिस पर देना है. वही बहुत खुद में वो होता है. बट इट इट डिपेंड्स अपॉन कि आप इस प्रोसेस को एंजॉय करो. लाइक मेरे लिए यूट्यूब इज समथिंग जो कि मुझे मेरे कॉर्पोरेट जॉब से अलग मुझे खुशी देता है कि हाँ, आई एम डूइंग समथिंग फॉर माई सेल्फ एंड फॉर दी अदर पीपल एज वेल. इसलिए मैं इसमें लगी रहती हूँ. इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप इस चीज को एंजॉय कर रहे हो क्या बिल्कुल नहीं. होना भी चाहिए ऐसा। ऑल्सो अनदर क्वेश्चन इज दैट, डज अटेम्प्ट मैटर इन सीए? क्या मल्टीपल अटेम्प्ट हमारी जॉब पर कोई भी अफेक्ट करते हैं या नहीं? और मल्टीपल अटेम्प्ट होने पर क्या आपको जॉब, मतलब कोई दिक्कत होती है कि नहीं मिलने में हाँ, उसको? ये बच्चे मेरे से ही पूछते हैं कि सर
सीए तो जरूरी नहीं है एक अटेम्प्ट में बनेंगे। पहला बात तो ऐसा सोचना बंद करो भाई, क्यों नहीं बनोगे भाई, लोग बनते हैं। मैं सारा एक अटेम्प्ट में किया। हाँ तो सर इसलिए आपको बात आ रहा है, आपके समय रिजल्ट अच्छा होता होगा भाई, उस समय 3% से भी कम रिजल्ट होते, लेस देन 3%। पहला बात तो ये सोचना बंद करो। फिर भी बैक ऑफ द माइंड में जिनके ये क्वेश्चन आ रखा है, क्या नंबर ऑफ अटेम्प्ट मैटर करते हैं सर, मेरा 4-5 अटेम्प्ट में हो गया, मेरा 7 अटेम्प्ट में हुआ तो क्या होगा, तो वेरी शॉर्ट टर्म में, वेरी वेरी शॉर्ट टर्म में, पहला 4-5-6 महीना, पहला 1 साल एट द मोस्ट, यस इट विल मैटर, योर सैलरी माइट बी लेस, बट लॉन्ग रन में, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में, इट डजेंट मैटर एट ऑल, 0.001% मैटर नहीं करता। बिकॉज सीए एक एंट्री टिकट है, सीए इज एन एंट्री टिकट इन टू द जुरासिक पार्क विच इज अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड। अब आप 5 अटेम्प्ट के बाद अगर आए हो तो ऑब्वियस बात है एम्प्लॉयर का बार्गेनिंग कैपेसिटी आपसे ज्यादा बढ़िया रहेगा, तो आपको कम सैलरी में अब्सॉर्ब कर लेगा। ऑन द अदर हैंड अगर आपका रैंक आया है, तो रैंक आने के बाद सारे एम्प्लॉयर्स आपको अप्रोच कर रहे हैं, तो आपका बार्गेनिंग पावर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एम्प्लॉयर का बार्गेनिंग पावर कम है, तो वहां पर आपको ज्यादा सैलरी मिलेगा। बट मान लो से फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉयर ने आप लोग दोनों को रखा, 6 अटेम्प्ट वाला को भी रखा और रैंकर को भी रखा, 1 साल के अंदर वो आपका परफॉर्मेंस रिव्यू करेगा और नाप लेगा, तोल लेगा कि 1 साल में ज्यादा प्रोडक्टिव कौन है, कौन सा इंप्लॉय कितना रेवेन्यू ला करके दे रहा है, कितना खर्चा बचा रहा है, कितना आइडियाज ला करके दे रहा है, उस हिसाब से जो है हो सकता है सैलरी स्वैप भी हो जाए। जो 6 अटेम्प्ट वाला है वो तुरंत तुरंत आइडियाज देता है, प्रॉब्लम ओरिएंट सॉल्यूशन ओरिएंटेड जवाब देता है प्रॉब्लम्स को, और वो रैंक वाला जो है हो सकता है वो प्रॉब्लम का समाधान ही नहीं दे सकता, तो सैलरी हो सकता है स्वैप हो जाए। तो सीए डिग्री इज जस्ट एन एंट्री टिकट, उसके बाद जो है आपको अपना जलवा दिखाना है और सैलरी बढ़ाते जाना। राइट ऑल्सो सर, अभी इन केस कोई सीए बनना भी चाहता होगा तो एक जो न्यूज है काफी टाइम से चल रही, कुछ महीनों से काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही है कि रिगार्डिंग द मार्किंग सिस्टम एंड द चेकिंग सिस्टम इन सीए, कि बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज हैं इसमें। इवन अगर हम बहुत मेहनत करते हैं स्टिल हमें फेल कर दिया जाता है या फिर हमारे मार्क्स कट कर दिए जाते हैं। सो व्हाट यू वांट टू से ऑन दिस थिंग सर? सिस्टम में फ्लॉज हैं अनडाउटेडली, बिल्कुल हैं सिस्टम में फ्लॉज हैं, नो देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट, बट सिस्टम में फ्लॉज खाली सीए कोर्स में नहीं है। आप कंपनी सेक्रेटरी कोर्स देख लीजिए, आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी कोर्स देख लीजिए, आप कोई भी कोर्स उठा करके देख लीजिए, हर सिस्टम में कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं। अब ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है हम सबका जो फ्रेटर्निटी में इन्वॉल्व है कि ये सब कमियों को उजागर करें, पहले बात तो लेकर के आए सामने, फॉरगेटिंग अबाउट आवर स्टेक्स इन्वॉल्व इन इट, एंड उसके ऊपर जो है हम लोग को इंस्टीट्यूट को जो है लगातार पुश करते रहना चाहिए कि ये कमियां हैं आपके सिस्टम में, ये सुधार के ऑप्शन हैं और आपको इनको इंप्लीमेंट करना चाहिए। बट ऑन द अदर बिल्कुल हैंड सर, स्टूडेंट इसमें क्या कर सकता है, स्टूडेंट अपना जो उसके हाथ में है कम से कम वो तो करे, उसके हाथ में पढ़ाई है कम से कम वो तो कर ले अच्छे से। और सबके साथ ऐसा नहीं होता है, कुछ फ्रैक्शन के साथ होता है, बट एक जन के साथ भी हो तो वो गलत है। बट जैसा कि आप जान रहे हैं कि सिस्टम जो है कोई भी कोर्स का रोबस्ट सिस्टम नहीं है, ठीक है, वो खाली बोलने के काम आता है रोबस्ट सिस्टम, तो सिस्टम में कमियां हैं और सुधार बिल्कुल जो है होना चाहिए और होगा। बिल्कुल होगा सर। आई थिंक आईसीए की जिम्मेदारी ये है कि वो इस सिस्टम को सुधारे और हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अपना हार्डवर्क करते रहें। मतलब ये नहीं हो कि हम डीमोटिवेट होकर बैठ जाएं और फिर उसी के बारे में सोचने लग जाएं। आई थिंक राइट जो हम कर सकते हैं वो तो हमें पूरी तरीके से करना चाहिए। राइट ऑल्सो एट द एंड आई वॉन्ट टू आस्क वन क्वेश्चन, अगर कोई सीए करना चाहता है सो इज सीए वर्थ डूइंग? इफ यू आर फॉलोइंग योर फ्रेंड्स पाथ कि वो सीए कर रहा है इसलिए मैं भी कर लेता हूं, तो इट्स नॉट वर्थ फॉर यू। यू हैव टू फाइंड अ रीजन वाई यू आर डूइंग सीए, ट्रस्ट मी, द डे यू फाइंड अ रीजन दैट दिस इज माई रीजन टू डू सीए, यू विल बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। माई रीजन वॉज वेरी सिंपल, दैट आई हैड नो अदर बैकिंग, जस्ट अ सीए कोर्स टू बैक मी, टू गिव मी अ स्टैंडिंग इन द सोसाइटी, दैट इज वाई आई डिड द कोर्स एंड आई डिड इट वेरी वेल। So you have to find the reason why you want to do it. It can be name, it can be money, it can be fame, it can be self independence, it can be to make your parents proud, it can be that you want to become an entrepreneur, you want to have a safe job, it can be anything. Just find the reason. सर आपने जो फ्रेंड वाला एग्जांपल दिया आई थिंक वो भी मेरे साथ था कि मैं अपने फ्रेंड के कहने पर आई थी, बट आई वाज वेरी क्लियर इन माय माइंड कि मुझे कुछ ऐसा बड़ा करना है जिसके थ्रू मैं अपने जो फैमिली या फिर मेरे जो सोसाइटी में चीजें चलती आ रही हैं कि गर्ल्स एजुकेशन को सपोर्ट नहीं करना, उनको काम नहीं करने देना या फिर पढ़ाई को सपोर्ट नहीं करना। सो आई वॉन्टेड टू ब्रेक दैट थिंग कि मुझे इससे बाहर निकल के आना। मे बी सीए कुड बी द रीजन कि मैं उस चीज से बाहर निकल के आऊँ एंड बाकी जो मेरे पीछे जो भी लड़के हैं उनके लिए एक पाथ बना सकूँ कि आप भी यहाँ तक आ सकते हो। सो ऑल
तो मैं अपनी फ्रेंड के रिकमेंडेशन में आई थी, बट उसके बाद सीए को मैंने मतलब इस तरह से अपनाया कि दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू मेक मी सक्सेसफुल एंड वट एवर आई वॉन्ट टू अचीव इन माई लाइफ दिस कैन डू दैट टू मी. यस एंड यू हैव सेट एन एग्जांपल फॉर अदर्स टू बी वेरी ऑनेस्ट। आज भी बहुत सारी गर्ल्स हैं असफर जिनसे मैं मिलता हूँ और उनके मॉम डैड जो है ना उनको यही बोलते हैं कि ये लास्ट अटेम्प्ट है तेरा, अगर नहीं हुआ तो यू विल गेट मैरिड एंड एटसेट्रा हाँ स्टफ लाइक दैट। तो गर्ल्स लाइक यू, यू नो यू आर, यू गाइज आर द ट्रू फेस ऑफ आवर इंडियन वुमेन एम्पावरमेंट एंड आई डू होप दैट गर्ल्स फॉलो योर फुटप्रिंट्स एंड बिकम एज सक्सेसफुल एज यू आर एंड यू बिकम मोर सक्सेसफुल देन वॉट यू आर। या थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड विशेस एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम विद यू. मैंने आपको आज तक वीडियो में ही सुनते हुए देखा था, बट आपसे लाइव इंटरेक्ट करने में बहुत मजा आया. आई होप जो भी व्यूअर्स हैं वो भी हमारे इस कन्वर्सेशन को बहुत एंजॉय करेंगे, और जो भी हमने मिथ्स को यहाँ पर बर्स्ट किया है आप उससे सीख लेंगे कि कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन पर ना जाए. आप उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करें, ये देखें कि कौन आपको वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लाइक सोर्स शुड बी ऑथेंटिक. सो आई होप आप आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है. सो सर जाते जाते इन केस यू वांट टू से समथिंग टू आवर ऑडियंस. बस जर्नी अगेन, सीए इज अ जर्नी, आप इस जर्नी को भी एंजॉय करिए। डेस्टिनेशन पर तो पहुंचेंगे ही, लेकिन एंजॉय करना मत भूलिए। लाइफ को थोड़ा सा लाइट लीजिए, सीरियसली उतना मत लीजिए, लाइफ को कोर्स को सीरियसली लीजिए, ठीक है ना। और बिल्कुल बस इसी तरीके से बस अपने लाइफ में एक्सेल करते रहिए एंड सक्सेस मिलेगा। यस. सो विद दिस सर विल मीट इन एनी अदर वीडियो, लेट्स सी एंड श्योर फिर किसी श्योर, सेशन में मिलते हैं. एंड बहुत विद मेरे को दिस भी बहुत मजा बाय आया, ऑल. एकदम कैंडिड हाँ टॉक्स हुआ और पूरा दिल का बात मैंने आपसे शेयर किया और आपने भी जो है बहुत बर्निंग क्वेश्चंस जो स्टूडेंट के दिमाग में चलते हैं वो उठाए, तो आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी एंड बहुत जल्द जी मिलेंगे। बिल्कुल 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 मिलेंगे सर. एंड विद दिस बाय एवरीवन एंड होप टू सी यू इन द बाय बाय नेक्स्ट बाय बाय। वीडियो. बाय गाइस.